नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर में, जहां पर आप सभी को बता दें हरियाणा भर के जिलों से राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ हरियाणा 421, जी हां, जो कि संबंधित है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ से, जहां पर विशाल प्रदर्शन करने के लिए काफी संख्या में जिले भर के टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी को बता दें JPG के टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जूनियर बेसिक टीचर्स। और आप सभी को बता दें कि शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान का घेराव करने के लिए समस्त टीचर अपनी मांगों को लेकर, प्रमुखता मांगे जो है पेंशन की बताई जा रही है, जहाँ पर तमाम ये जो टीचरें हैं बैठ चुकी हैं। एक तरफ आप लोग देख सकते हैं प्रशासनिक बल तैयार है, आसपास के तरीके से जो बता दें बैरिकेड कर लिया गया है। बैरिकेड के साथ साथ एक तरफ तो प्रशासनिक बल मौजूद है और दूसरी तरफ तमाम ये टीचर्स जो हैं आज अगरसैन चौक पर बैठ चुके हैं। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख पा रहा है इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर SP कमलदीप गोयल, DSP और तमाम आला अधिकारी भी मौजूद, और आप लोग देख सकते हैं प्रथम कतार में महिला पुलिस कर्मचारी भी मौजूद है। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख पा रहा है, इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। JBT टीचर्स की प्रमुख मांग है कि उनकी जो पेंशन स्कीम है उन्हें दोबारा लागू कर दिया जाए। तो एक तरफ प्रशासन और दूसरी तरफ आप सभी को ये जो टीचर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख पा रहा है, इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील होता हुआ यमुनानगर का अगरसैन चौक एक धरना स्थल बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आप अपनी नजर दौड़ाएंगे वहां तक आप सभी को JBT के टीचर्स बताए जा रहे हैं। 35,000 जो है संख्या है। मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, बंसीलाल जोड़, RPS जिला प्रधान सिरसा। पेंशन की मांग के लिए, पेंशन मांग और ट्रांसफर तबादलों के लिए आए। शिक्षकों के तबादले बहुत समय से नहीं हो रहे, शिक्षा मंत्री बार बार बुला कर झूठ बोल देता है और हर बार हमारे को झूठ बोल कर वापस भेज देता है। अब की बार हम आर पार लड़ाई करने के मूड में यहाँ शिक्षा मंत्री का घेराव करने आए हैं। क्या लगता है आपको, अगर सैन चौक ऐसा स्थल बन चुका है जहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता? हम बैरिकेड को पार कर देंगे, हम इतनी हिम्मत रखते हैं, शिक्षा मंत्री की गुर्की से डरने वाले नहीं है। 35,000 लगभग JPT के टीचर्स है, तो जो अपनी मांगों को लेकर आज यमुनानगर में आए, शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री बहुत झूठा है, बार बार अध्यापकों को बुलाकर जो शिक्षा जगत को जोड़ते हैं, जो शिक्षा सभी को शिक्षा देते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की झूठ प्रस्तुति, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर वर्ग जो है सड़क पर आ चुका है, चाहे PTI टीचर्स हो, चाहे आप लोग ग्राइंड टीचर्स लगा लीजिए, और अब JBT का जो है मामला सामने आया है। सरकार अपने जितने भी अपने मुद्दे लेकर आई थी उनसे भड़क गई है और सारे जितने भी कर्मचारी है उनको तंग करने पे लगी हुई है, किसी भी कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी करती है, अपने वादों में पूरा नहीं करी है। जी हाँ, तानाशाही नहीं चलेगी। इसी के बाद से तमाम जो महिला है, तमाम जो आप सभी को बता रहे हैं JBT के तमाम जो यहाँ पर शिक्षक गण है वो यहाँ पर धरातल पर मौजूद हो चुके हैं। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देखना चाहेगा, इस खबर को वीडियो को देखना चाहता है, शेयर जरूर कीजिएगा। मैडम, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम प्रमिला खोखर है। प्रमिला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले PTI टीचर्स, अब ये तमाम टीचर्स हैं जो धरातल पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं शिक्षा नीतियों के कारण, जो है मंत्री की हठयोग के कारण, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को इस चीज को गहनता से लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि राष्ट्र का निर्माण करती है। अगर हमारे देश में शिक्षा में ही खामियां होंगी तो हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो मेरी यही विनती है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से कि वो अधिकारियों को अपने पास बिठाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर मंथन करे, जो मांगे अधूरी पड़ी है उनको पूरी करें, और उनके बारे में कंप्लीट जाने कि कहां पर खामियां हैं और शिक्षा नीति में सुधार करें। मैं मुख्यमंत्री की गलती मानती है कि एजुकेशन मिनिस्टर की गलती, में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि मुख्यमंत्री की ही गलती होती है, क्योंकि वो हमारा मैन सर्वा सर्वे है जी। अगर वो ऊपर से संदेश देता है तो शिक्षा मंत्री उसको जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि मैन पावर वही है। तो मैं सरासर गलती माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की मानती हूँ। PTI टीचर्स धरती पर जो आ चुके हैं, और तमाम जो PTI टीचर्स हैं, तमाम JBT के टीचर्स हैं वो दिक्कत में है, ड्राइंग टीचर्स हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं लड़ते नजर आते, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम आज के? सर, मैं इसके ऊपर एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो खामियां हमारी शिक्षा नीति में है, जो भी हमारे प्रोसेस अधूरे पड़े हैं, जो भी टीचर्स हटा दिए गए हैं, XYZ जो भी खामियां हैं, वो सारी की सारी एक मीटिंग बिठाएं, उस पर मंथन करें, तभी वो दूर हो सकती हैं। और ये मेरा
अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री। मैडम, हम शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खामी है, तो शिक्षा मंत्री जी से क्या गुहार लगाने आए? देखिए, शिक्षा मंत्री जी से हम ये गुहार लगाने आए हैं कि आप अपने सर्वे सर्वा से इस बात को उसके सामने रखिए, मनोहर लाल जी के सामने रखिए, और आप हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा हैं, आप हमारी नैया को संभालिए, जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो करवाइए, आप उनसे वार्ता कीजिए, क्योंकि सरकार तभी चलती है तब यूनिटी होती है। क्या पहले भी इस तरीके क्या? हमारी मांग है, जो 2017 में जेबीटी टीचर थे वो 5 सालों से 200-300 किलोमीटर दूर बैठे, हाई रैंक लेकर, अच्छी मेरिट लेकर, मैं चाहती हूँ कि वो काउंसलिंग करे मेरिट के आधार पर और इन्हें स्थायी जिले देने का काम करे, तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर जब तक इन्हें स्थायी जिले नहीं दिए जाएंगे तो काफी सारी मुसीबतें हैं जो पेंडिंग पड़ी और पड़ी रहेंगी। हाँ, RPSS के मांग पत्र में बहुत सारी मांगे हैं, जैसे जनरल ट्रांसफर की भी है और 2017 वालों की काउंसलिंग की भी है और OPS की भी है, पुरानी पेंशन की जो कि 2004 में बंद कर दी गई थी। मैम, अगली रणनीति क्या है? आपको तो रोक लिया गया, क्या कुछ करेंगे? देखिए, अगली रणनीति ये है, अगर प्रशासन और हमारी सरकार सही रवैये से पेश नहीं आती, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हमारी नहीं सुनती, तो एक जन सैलाब आएगा और नए इतिहास का आगाज करेगा। तो जी हाँ, एक जन सैलाब आएगा और जन सैलाब के साथ हमारा जिला प्रधान मौजूदा है। कथन से जिला प्रधान है, मेरा नाम सुरेश द्राविड़ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा क्षेत्र जगाधरी, एजुकेशन मिनिस्टर जगाधरी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सर, ऐसा हम 14 बार शिक्षा मंत्री से बातचीत कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री ने झूठे आश्वासन दिए, कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने 5 साल की टर्म बनाई थी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। कम से कम उसके लिए 10 बार ऑफिस मेमोरेंडम निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। और इसके साथ पहली और दूसरी कक्षा है वो NGO को सौंपने जा रहे हैं, आंगनवाड़ी प्ले स्कूल के माध्यम से। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता भी उसका विरोध कर रही हैं और हम भी विरोध कर रहे हैं। अगर वो सुविधाएं देना चाहते हैं तो हमें दें। शैक्षणिक संस्थाएं हैं आंगनवाड़ी की, वो प्लस फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा सकेंगी? ये तो पास तो पहले ही बहुत काम ज्यादा है जी, देखिए काम है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, उनके जो ट्रेन टीचर है वही बच्चों को पढ़ा सकता है। आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनको वो ट्रेनिंग दे करके उनको भी किसी NGO के हवाले कर रही हैं, और पहले तो उनको वो भी विरोध, पहली और पांचवी तक का सरकार ने पहले नॉर्म बनाए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन JBT उसका नाम रखा गया है, तो उसके बिना कैसे पढ़ा सकते हैं, फिर उसकी जरूरत क्या है? NCERT के जो नियम है, NCT के नियम है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये सरकार रोक लिया गया, अभी हम यहाँ पर निर्णय लेंगे, रोका गया उस संबंध में हमारी कार्यकारिणी। क्या कुछ आश्वासन दिया गया सर आपको प्रशासन से बात? कब तक यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू किया जा सकता है? हमारी कार्यकारिणी अभी फैसला लेगी उसमें बारे में। अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हैं सर, SP कमल बिल्कुल आज उसके आए थे सर, DSP मौजूद हैं, क्या कुछ उनके तरफ से कोई आश्वासन या बात वार्ता की? उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से आप बात कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि पहले कर चुके हैं शिक्षा मंत्री से। बात करने का कोई माध्यम रखा गया? टेलीफोनिक नहीं, हम आमने सामने शिक्षा मंत्री से बातचीत कर चुके हैं। अगर शिक्षा मंत्री से बात नहीं करेंगे तो आए किस लिए हो यहाँ पे? शिक्षा मंत्री से आज उनको एहसास कराने आए हैं सरकार को के शिक्षा मंत्री को जो निर्णय लेने चाहिए एज एजुकेशन मिनिस्टर, वो ऐसे निर्णय नहीं ले रहा और वो जनता को, समाज को, शिक्षकों को गुमराह कर रहा है। क्या ऐसे शिक्षा मंत्री इस प्रदेश में रहना चाहिए? ये सवाल खड़ा करने आए कि एक योग्य शिक्षा मंत्री इस देश में, इस राज्य में नहीं। देखिए, पूरे साल में आपका प्रश्न नहीं सुन पा, 2 साल से किताबें नहीं, 2 साल से किताबें नहीं आई और लगभग 5-6 लाख बच्चों का स्टाइफंड नहीं दे पाई ये सरकार पिछले। सर, हरियाणा के सर, हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं दिल्ली से अच्छे स्कूल तो हमारे हरियाणा के हैं। आप निरीक्षण करिए ना, मैं दिल्ली का समर्थक हूँ और ना मैं ये कह रहा कि हरियाणा का, आप दोनों की तुलना कर लीजिए, अगर जो अच्छे होंगे आपके सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अध्यापकों में ये गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है और ये गुस्सा लाजमी भी है अपने हकों की लड़ाई के लिए। समस्त शिक्षा जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, जो अध्यापक हैं, वो यहाँ पर लटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रशासन ने अगर सेंचो को छावनी में तब्दील कर दिया है, तो दूसरी तरफ जो तमाम अध्यापक संघ के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आप सभी से अनुरोध, जो भी मेरी इस खबर को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। आप सभी देख रहे हैं IBN24, मैं हूं संयम आप सभी के साथ। अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।